बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुमिना साजिद। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। तख्ते लाहौर किसका होगा, फैसला कुन लम्हे में बस एक दिन बाकी। पंजाब के 20 हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल, मैदान कल सजेगा। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम का वक्त गुज़िश्ता रात 12 बजे खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील का अमल जारी, अमला सामान लेने के लिए पहुँचने लगा। बाज़ मुकामात पर नामुकम्मल तैयारियों के बायस इंतखाबी सामान की फराहमी का अमल आखिर का शिकार। इलेक्शन के दूसरे रोज पुलिस, रेंजर्स और फौज के अहलकार पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने की साजिश हो रही है। डस्का के इलेक्शन वाली कोई हरकत हुई तो कानून हरकत में आएगा। शफाफ, साफ और परअमन इलेक्शन के लिए बनाएंगे राणा सनाउल्ला। पंजाब असेंबली का ज़िमनी इलेक्शन अहमियत अख्तियार कर गया। ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर अगले वज़ीर आला का फैसला होगा। हुकूमत को 20 में से 11 नशिस्तें दरकार। अपोजिशन इतिहाद को इससे 50 सीटों के लिए 13 पर कामयाबियां समेटनी पड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के फैसला साजी के इस्तीफे और मोहम्मद काशिफ की नाअहली से हुक्मरान इतिहाद की 2 सीटें कम हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। फवाद चौधरी का कहना है की इंतजामी मदाखलत से इंतखाबात का माहौल खराब किया जा रहा है। इलेक्शन में हुकूमती मदाखलत को रोका जाए, अमन अमान को असल खतरा राणा सनाउल्ला और अता ताड़र जैसे लोगों से है। डेरा इस्माइल खान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला दरिया खान पुल बंद। दरिया खान पुल सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दरिया खान में कल जिमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।